हेलो फ्रेंड्स, नेशनल बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आसूस का आरओजी ग्लाइडियस 2 कोर माउस के रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करेंगे। ये बिल्कुल नया माउस है, गेमिंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल माउस है। इस रिव्यू में हम सारे इस माउस का फीचर्स एंड उसका जो यूजेबिलिटी है सारे चेक करेंगे। आसूस आरओजी ग्लाइडियस 2 कोर माउस के कुछ फीचर्स बाहर पे मेंशन है। अभी हम लोग पहले बाहर में जो फीचर्स मेंशन हो पहले चेक करेंगे, उसके बाद इस माउस का अनबॉक्सिंग करेंगे और ये माउस ऑन करके हम लोग देखेंगे। ये देखिए एकदम नया बॉक्स है, रेड और ब्लैक पैकेजिंग में। फ्रंट में देखिए इसका एक आसूस ओरासिंग का लोगो है, इसका मतलब ये माउस जो है आपका ओरासिंग के साथ फुल्ली कंफर्टेबल है। पीछे देखिए आपका बहुत सारे फीचर्स मेंशन है। जो मेन चीज़ है तो देखिए सभी जो आसूस का आरओजी जो माउस होता है इसमें आपका पुश फिट बटन आता है, इसका मतलब आपका जो लेफ्ट और राइट क्लिक जो है ये आप यूज़ करते करते अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी इशू हुआ तो ये बाद में आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। बाकी इसका देखिए लेफ्ट और राइट क्लिक जो है ये बॉडी से अलग डिज़ाइन है, तो ये आपका जो कंफर्टेबिलिटी बहुत आपका ईजी होगा। बाकी इसका जो स्क्रॉल व्हील है देखिए, स्क्रॉल व्हील ये आपका टैक्टिकल स्क्रॉल व्हील है, तो ये भी आपका फीलिंग बहुत ही अच्छा होगा। बाकी नीचे देखिए यूएसबी 2.0 है और इसका जो DPI सेटिंग्स है जो मेनली आरओजी ग्लाइडियस 2 और ग्लाइडियस 2 कोर में मेन डिफरेंस जो है, इसका DPI सेटिंग्स कम है, 6200 DPI सेटिंग्स है इसका। बाकी जो इसका जो पोलिंग रेट है 1000 Hz, ये भी सेम है। इस माउस का अभी चलिए अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसका लाइट कैसे ग्लो होता है, बटन सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं और इस माउस यूज करने के टाइम में कितना कंफर्टेबल है सारे हम चेक करेंगे। आरओजी ग्लाइडियस 2 कोर माउस का भी हम लोग सील ओपन करेंगे। देखते हैं अंदर में क्या क्या एक्सेसरीज है इसके साथ। एक बुकलेट है जिसमें आपका सारे स्विचेस मेंशन है, एक मैनुअल है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। ये देखिए ब्राइडेड केबल है, इसका लॉन्गविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। ये ग्लाइडियस 2 कोर माउस, ये बिल्कुल ग्लाइडियस 2 का सेम शेप है, सेम डिज़ाइन है, सेम आपका ग्रिप मिलेगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका टेक्सचर है, इस टेक्सचर के अंदर देखिए एक आरओजी का लोगो है, इसके ऊपर दो बटन है, यहाँ पे एक आरओजी का लोगो है जो आपका ओरासिंग के साथ कंपेटेबल है, ये हम जब ऑन करेंगे हम देखेंगे। राइट साइड में देखिए और एक टेक्सचर ग्रिप है, तो इसमें आपका अच्छा ग्रिप मिलेगा। और इसका देखिए लेफ्ट बटन राइट बटन जो है जो ग्लाइडियस 2 में भी था, ये जो मेन बॉडी है बॉडी के साथ देखिए डिटैच है, तो इसमें आपका जब ये प्रेस करेंगे तो ये फील एकदम अलग फीलिंग होगा। ये देखिए व्हील है, ये व्हील जब आप यूज़ करेंगे आपको लगेगा ये टैक्टिकल व्हील है। और यहाँ पे आपका DPI स्विच है, यहाँ पे भी आपका क्लिक है। ये देखिए आरओजी ग्लाइडियस 2 यहाँ पे आपके लोगो है और यहाँ पे देखिए ये जो सेंसर है इसका जो DPI है, नॉर्मल जो ग्लाइडियस 2 कोर और नॉर्मल जो ग्लाइडियस 2 है तो इसका DPI 6200 है। चलिए अभी इस माउस को अभी हम लोग ऑन करेंगे, इसका जो आरओजी लोगो, इसका जो ओरासिंग का फैसिलिटी है और ये जो सारे बटन है ये कैसे कॉन्फिगर होता है आपका आर्मोरी 2 सॉफ्टवेयर से, वो भी हम लोग चेक करेंगे। ग्लाइडियस 2 कोर माउस को अभी हम लोगों ने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया। अभी इसका देखिए इसका जो ओरासिंग लाइटनिंग है ये आपका दो जगह में होता है, एक आपका जो बैक साइड में है आरओजी का लोगो और एक आपका व्हील का दोनों साइड में, ये दोनों लाइट ही आपका ओरासिंग के साथ कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप देखिए ओरासिंग कंफर्टेबल एक कीबोर्ड भी है, इन दोनों को आप एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अभी ये सारे सिंक्रोनाइज करने के लिए और इसका जो बटन सेटिंग्स है इनके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर है, एक आपका एक ओरासिंग सॉफ्टवेयर और एक आर्मोरी 2 सॉफ्टवेयर। ओरासिंग के साथ अपने सेफ लाइट जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बटन कॉन्फ़िगरेशन है और इसका जो DPI सेटिंग्स है ये चेंज करने के लिए आपको आर्मोरी 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी आर्मोरी 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और ओरासिंग भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आर्मोरी 2 सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका जो भी आसूस का ओरासिंग कंफर्टेबल डिवाइस है और आर्मोरी 2 कंफर्टेबल डिवाइस है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका कोड दिख रहा है, क्लेमोर भी दिख रहा है। कोड में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सेटिंग्स है 8 बटन्स का, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है।
यहाँ पे जो लेफ्ट बटन है, ये लेफ्ट बटन छोड़ के बाकी जो जितने सारे बटन है सबको आप कॉन्फिगर कर सकते हैं आपका जो भी कॉन्फिगरेशन चाहिए, जैसे माउस फंक्शन हो गया, मैक्रो हो गया, कीबोर्ड फंक्शन, विंडो शॉर्टकट, मल्टीमीडिया, सारे कोई भी जो की है इसमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कुछ आप मैक्रो सेटिंग्स इसमें देंगे तो यहाँ से आप मैक्रो भी रिकॉर्ड करके वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और इसका देखिए जो परफॉर्मेंस बटन है, ये परफॉर्मेंस में आपको DPI 1, DPI 2, DPI 3, DPI 4, ये स्नैपिंग, ये आपका एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे जो पोलिंग रेट अप टू 1000 हर्ट्ज, ये सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग आप देखिए आपका जो ये माउस है, ये तीन तरह का लाइटनिंग RMI 2 से आप इसमें सेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग, कलर साइकिल और रिएक्टिव। अगर आपको दोनों को एक साथ अगर सिंक करना है तो आपको जो मेन ये सिंक्रोनाइजेशन बटन है यहाँ से आपको सिंक करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए। अगर आपको ओनली लाइटनिंग सेटिंग्स चेंज करना है तो आपको ये ओरा सिंक का जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ करना पड़ेगा। आप दोनों सॉफ्टवेयर में एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, या तो ओरा सिंक का आप उसको डिजेबल करना पड़ेगा, नहीं तो RMI 2 में डिजेबल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, आपने देख लिया। तो आप किसी भी माउस को, जो ROG माउस है, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ASUS ROG Gladius 2 कोर माउस के बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।